हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडोबॉलिक। आज मैं आप लोगों से मटर की सब्जी दिखाने जा रही हूँ और उसके लिए यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और 1 टेबल स्पून ही मैंने व्हाइट ऑयल ले लिया है। दोनों को गर्म करने के बाद 1 टेबल स्पून हम लोग चॉप्ड गार्लिक और 1 टेबल स्पून चॉप्ड यहाँ पे जिंजर मैंने यूज़ किया है। इसे लाल नहीं करना है, जस्ट 1 से 2 मिनट तक हम लोगों को तेल में फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने फाइनली चॉप करके रखे थे, जिसे हम लोग डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हल्का सा गुलाबी रंग आना है। इसमें मैंने डाल दिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और दोनों को स्लो फ्लेम में मैंने 1 से 2 मिनट तक मतलब भून लिया है। 1 मीडियम साइज के टोमेटो को यहाँ पे चॉप करके डाल दिया है मैंने, और जस्ट टोमेटो को सॉफ्ट होने तक ही हम लोगों को भूनना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे जो है मैंने सॉस डाला है, टोमेटो सॉस। इससे जो है रेस्टोरेंट वाला इफेक्ट आता है, किसी भी सब्जी में आप 1 टेबल स्पून सॉस इस तरीके से मसाले में डाल दें तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट वाला जो है टेस्ट आ जाता है। और ये होममेड मलाई है, जिसे फ्रिज में रखने की वजह से ये जम चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं। आधा कप मैंने मलाई ले लिया है और उसे भी हम लोग मसालों के साथ भून लेंगे। मसाले जो है तेल छोड़ चुके हैं और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है कसूरी मेथी डाल दिया है। कसूरी मेथी को डाल करके भी हम लोग मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है यहाँ पे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, और सभी को हम लोग मिक्स करेंगे। इसे और फ्राई नहीं करना है ज़्यादा देर। फ्रेश मटर है, अभी ठंडी का सीजन है तो फ्रेश मटर आपको आसानी से मिल जाता है। और मटर डाल करके भी हम लोग 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे। मटर भूनने के बाद हम लोग उसमें डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल दिया है। सभी को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसे हम लोग 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे। देखिए हमारा जो सब्जी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है, ग्रेवी मतलब मटर ने पूरा पी लिया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जो है टोमेटो सॉस। ये ऑप्शनल है, आप यदि खट्टा ज़्यादा खाते हो तो डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन सॉस जो है देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैंने सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट तो काफ़ी उभर के आता है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम लोग ढक देंगे स्टैंडिंग टाइम, और उसके बाद हम लोग इसे सर्व करेंगे। रेसिपी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।